ओ माँ गो टुरुलाउ, एक गया नहीं कि दूसरा आ गया। मतलब लगता है दोस्तों कि तूफान को धरती वालों से सच्चा वाला प्यार हो गया। अभी दूसरे तूफान का खतरा और मंडरा रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मौसम का हाल खराब है और ताउते या तोकते जो भी नाम कहो उस तूफान का खतरा कुछ राज्यों में मंडरा रहा है, राइट। लेकिन अभी वो तूफान भी खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच दोस्तों एक और नए तूफान की चेतावनी जारी हो चुकी है। बड़ी खबर, आप देख सकते हैं कि तोकते की तबाही के बाद अब एक और बड़ा खतरा आ चुका है। चंद घंटों के बाद ही एक और चक्रवात तूफान आ रहा है जिसका नाम रखा गया यास। जी हाँ यस, एक और नया तूफान आ चुका है, यास उसका नाम है। ताउते के बाद एक और तूफान का अंदेशा मंडरा रहा और ये जो तूफान दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। आपको पता होगा ये जो चक्रवाती तूफान इससे पहले वाला ताउते था, इसने महाराष्ट्र, गुजरात और इसके आसपास के कई राज्यों में बड़ी तबाही मचाई। महाराष्ट्र में तो 10-12 लोगों के जान जाने की खबर है, वहीं एक और गुजरात में भी 13 लोगों की तूफान से मौत होने की खबर है। महाराष्ट्र में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। इसके साथ ही दोस्तों जिन जगहों से ये तूफान गुजरा वहां तबाही का अलग ही मंजर देखने को मिला। मतलब पेड़ पौधे टूट गए, कई लोगों के जो घरों पर चद्दर सेट थे, टीन सेट, वो उड़ गए। कुल मिलाकर के इस तूफान ने काफी नुकसान किया और किसान भाई लोगों की फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, राइट। लेकिन प्रकृति का कोप देखिए, अब इस तूफान के जाने के बाद अब एक और नया तूफान आ रहा है। इसकी पूरी बड़ी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन जान लेते हैं कुछ ये अभी जो तूफान चल रहा है इसके क्या हालात चल रहे हैं। तो देखिए आप अपडेट की चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिला। आज भी अभी भी लाइव अपडेट आ रहा है, राजधानी दिल्ली NCR में भी बारिश हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में आज भी लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है कई जगहों पर। वहीं बड़ी खबर देखिए, चक्रवाती तूफान के असर के चलते राजस्थान में भी भारी बारिश देखी जा रही है आज। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और ये 20 मई तक यानी कि कल तक और भी ये बारिश जो है जारी रहने की संभावना है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी आ रही है। वहीं देखिए सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का सेट भी उड़ गया। इस तूफान के चलते सलमान खान और कैटरीना कैफ की जो टाइगर 3 मूवी की शूटिंग चल रही थी वो भी उड़ गया। तूफान के कारण उसको टालने पड़ा। और एक बड़ी खबर देखिए, चक्रवाती तूफान ताउते पड़ा कमजोर, कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा। हालांकि अब ये तूफान जो है दोस्तों इसका भवंडर थोड़ा कमजोर हो चुका है, रफ्तार जो है ना इसकी हवाओं की प्रेशर वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन बारिश अभी भी इस तूफान के कारण जारी रहेगी एक दो दिन तक और। ये देख सकते हैं आप साइक्लोन तूफान को लेकर लाइव अपडेट अभी भी आ रहा है। अभी ये तूफान राजस्थान के मिडिल तक पहुंच चुका और अब ये यहां पर जाकर के एंड हो जाएगा। लाइव जो ट्रैकिंग तूफान को लेकर आ रही है वो यहीं तक है। अभी इसकी रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हो चुकी है, जबकि पहले ये 260-360 किलोमीटर के लगभग प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था, राइट। हालांकि दोस्तों इस तूफान की वजह से भी कई हवाई यात्राओं को रद्द करना पड़ा, एरोप्लेन रद्द हो गई और कई सारी रेल ट्रेन को भी रद्द करना पड़ा, लेकिन अब ये राहत की बात है कि अब धीरे धीरे ये तूफान जो है कमजोर हो रहा। वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तूफान के चलते कितना क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या बिगड़ा, क्या स्थितियां बदली, इसका जायजा लेने के लिए गुजरात पहुंचे PM नरेंद्र मोदी। और वहां पर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो इस तूफान ने तबाही के निशान छोड़े उनके हालातों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्य को हुए नुकसान और गुजरात के भावनगर में आज पहुंचे और उस नुकसान की भरपाई को लेकर सहायता करने का भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। वहीं PM मोदी जो चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों को भी हवाई दौरा करेंगे और आज इनका जायजा लेंगे। तो ये कुछ अभी तक के तूफान के हालात चल रहे हैं। अब जो जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था ना वीडियो की कि अभी नया तूफान का खतरा मंडरा चुका है जिसका नाम है यास तूफान। जी हाँ, और दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में चक्रवात विभाग के प्रभारी सुनीता देवी ने बताया कि अगले सप्ताह पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। मौसम विभाग इन स्थितियों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने निम्न दबाव प्रणाली तेज होने के संकेत भी दिए हैं और उनका कहना दोस्तों कि समुद्री सतह पर तापमान SST बंगाल की खाड़ी के ऊपर 31 डिग्री है, ये औसत से लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। सभी समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियां चक्रवाती तूफान के अनुकूल है। कहने का मतलब ये ताउते के बाद यास तूफान भी बन सकता है, ठीक है ना। अब ये इस बार उल्टी साइड से उठ रहा है बंगाल की खाड़ी से, तो देखते हैं इसकी दिशा क्या रहती है और किन किन राज्यों को ये प्रभावित करेगा। इसका अपडेट इन्फॉर्मेशन जानकारी जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आप एक काम करना दोस्तों, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना, जिससे होगा ये कि आप रोजाना की ताजा खबरें और काम के समाचार, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज से तुरंत अलर्ट और अपडेट रह पाएंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।